सो दोस्तों इस बार कोई जरूरत नहीं है आपको पूरी SST पढ़ने की, सिर्फ एक घंटे पढ़ के भी आप ला सकते हैं 95 प्लस मार्क्स। बट कैसे, तो HR Academy कर रही है 2024 का पेपर लीक, 100% यही आएगा एग्जाम में, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि अब तो इस वीडियो में रुकना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि SST से रिलेटेड होने वाला है धमाल। चलो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल HR Academy पर, मैं सुमित ठाकुर। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा था दोस्तों कि इस बार SST हमें नहीं पढ़नी इतनी, ठीक है, सिर्फ एक घंटे पढ़कर 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। बट कैसे, तो इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत रिसर्च करके इन क्वेश्चनों को निकाला गया है। आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको चारों चीजों आ रही है, पॉलिटी मैं कराने वाला, पॉलिटी क्वेश्चन, इको के क्वेश्चन सुनील सर कराएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कमल सर कराएंगे, एंड जियोग्राफी क्वेश्चन आपको योगेश सर कराएंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं लेनी, एंड तक वीडियो में बने रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पल आप यहां पे देते हो HR Academy के चैनल पे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम के अंदर। और देखो मैंने बोला था कि 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, तो 95 प्लस 96 भी जा सकते हैं और 100 भी जा सकते हैं। तो 100 कैसे जाएंगे, तो आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर दिए, क्योंकि ये वीडियो पढ़ के आप अच्छा तो स्कोर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी दुआएं भी तो चाहिए होती है। किसी की हेल्प करोगे, वीडियो शेयर करोगे, उसके अच्छे नंबर आएंगे, थोड़ी सी दुआएं लगेगी, तो क्या पता आपका स्कोर 100 पहुंच जाए। तो वीडियो को अच्छे से शेयर कर देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट आप एक चीज सुन लो, ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, चीजें बायलैंग्वेज चलेगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। बट मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी चीजें नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपके पास वैसे इतना टाइम नहीं है, एग्जाम भी पास आने वाले हैं और आपको जल्दी जल्दी मैथ साइंस भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं अच्छे समझा दूंगा बायलैंग्वेज, फिर हिंदी वाले बच्चे ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले इसका और इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले इसका, तो दिक्कत किसी को नहीं लेनी, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 तक कितने संशोधन हुए, ये पूछ रहा है। जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने अमेंडमेंट हुए 1970 से 1993 के बीच। तो दोस्तों चार अमेंडमेंट हुए थे, कितने, चार अमेंडमेंट हुए थे। तो क्या किया हुए थे, पहले तो मिनिस्टर की जो संख्या थी उसको इक्वल कर दिया गया था। दूसरा है केंद्र की शक्ति दो इलाकों में विभाजित, मतलब केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर क्या कर दी थी, दो इलाकों में डिवाइड कर दी थी दोस्तों, एक आपका डच का था, एक आपका फ्रेंच का था, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है राजधानी में अलग सरकार जिसमें दोनों समुदाय का वर्चस्व था। देखो जैसे कि बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम में जो उसकी राजधानी थी ब्रुसेल, ठीक है, तो इसके अंदर दोनों कम्युनिटी का वर्चस्व था, आपकी फ्रेंच का भी और डच का भी, वही बात बोला गया। तीसरा और चौथा सामुदायिक सरकार को कार्य दिए गए, जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसको भी तीन कार्य दिए गए, वो क्या करेगी, कल्चर को बढ़ावा देगी, लैंग्वेज को बढ़ावा देगी और आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देगी, ठीक है ना। तो ये तीन कार्य दिए गए थे, क्या क्या, आपकी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, चीजें बाय लैंग्वेज चल रही है, बस आपको ध्यान रखना हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंग्लिश वाले नीचे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के क्या कारण थे, मतलब श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट चला था दोस्तों उसके क्या कारण थे, जाति कॉन्फ्लिक्ट जो चला था। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण था कि तमिल लोग जो थे ना, तमिल और सिंगली के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि सिंगली जो लोग थे वो अपने आप ज्यादा उस राज्य के अंदर, मतलब श्रीलंका के अंदर ज्यादा डोमिनेंस कौन कर रहे थे, आपके सिंगली लोग, और तमिलों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दे रहे थे। जैसे कि 1956 में सिंगली भाषा ने अपनी भाषा को, मतलब अपनी लैंग्वेज को क्या अनाउंस कर दिया, स्टेट लैंग्वेज अनाउंस कर दिया, ठीक है ना, और तमिलों का कुछ नहीं। सरकारी नौकरी में सिंगली का दबदबा था, मतलब सरकारी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी वो सिंगलियों को मिलेगी, अच्छी शिक्षा जो मिलेगी, अच्छी एजुकेशन वो भी सिंगली लोगों को मिलेगी। तो इसी कारण क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और तनाव ज्यादा उत्पन्न हो गया था तमिल और सिंगली के बीच में। तो आपके दो क्वेश्चन ये रहे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, समझ आ गया होगा आराम से, ठीक है। एंड आप अगर अच्छे से इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो 5-5 मिनट में चैप्टर खत्म कर रखा है, वो जाके वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें भी बनेगा कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से, मतलब ये पूछ रहा है जो पावर शेयरिंग है तो इसके कितने रूप हो सकते हैं दोस्तों। तो इसके 4 रूप होंगे, कितने होंगे, 4। जैसे कि देखो चार तरीके से पावर डिवाइड होती है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, आपने सुना होगा हॉरिजॉन्टल सब में बराबर पावर, और वर्टिकल ऐसे यानी ज्यादा उससे कम फिर उससे कम। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पावर डिवाइड है तीन में, आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, न्यायपालिका का दंडित करना अगर उस कानून को कोई फॉलो नहीं करता। तो पहला देखो यही पावर डिवाइड है, सरकार के अंगों के बीच पावर डिवाइड है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरा वर्टिकल पावर डिवाइड, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। देखो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय, कोई नहीं यहां दिक्कत होगी, स्थानीय सरकार, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में और राज्य सरकार में केंद्र, इससे ज्यादा पावर इसके पास है, इससे ज्यादा पावर इसके पास है, ठीक है। तो वर्टिकल पावर डिवीजन है। तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पावर डिवाइड है, जैसे कि हमने वहां पे देखा, वहां पर किनके बीच थी, फ्रेंच और डच के बीच पावर डिवाइड थी ना, तो तीसरी इस तरीके से करते हैं। और चौथी दबाव समूह, यानी जो भी आपकी विपक्षी पार्टियां होती है, ठीक है,
जो एक तो मेजर पार्टी होती है जो जीतती है वो बैठती है, और उनके अगेंस्ट में जो पार्टी बैठती है उसको दबाव समूह बोल सकते हैं हम, ठीक है। जन आंदोलन, जनता को पावर देना और मीडिया को पावर देना। तो चौथा इस तरीके से पावर आप डिवीजन कर सकते हो। तो चार तरीके से पावर डिवीजन हमने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी को पावर दे देना, और चौथा आपके जो भी अगेंस्ट में पार्टी बैठी होती है अपोजिशन पार्टी एंड जन आंदोलन मूवमेंट वगैरह को पावर दे देना। तो ये था आपका, इस तरीके से आप पावर शेयरिंग कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, श्रीलंका में तमिलों की क्या मांग थी, जो श्रीलंका के अंदर तमिल थे उनकी डिमांड क्या थी। तो उनकी डिमांड ये थी, हमारी भाषा को भी राज्य भाषा घोषित करो, और श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी यानी नॉर्थ, पूर्वी यानी सीधा आधा में से क्या होता पूरा, तो उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, और श्रीलंका में अपना वर्चस्व कायम करने की बात करते थे। पहले तो यही दो, यही मांग करी थी और ये मांग करी थी, और यही मांग कर रहे थे कि जितना आपको मिल रही ना चाहिए, जितना डोमिनेंस आपका हो रहा है श्रीलंका में, इतना हमारा भी होना चाहिए। लेकिन जब वो बात नहीं मान रहे थे, तब इन्होंने अपना संगठन बनाया, फिर इन्होंने करें कि उत्तरी पूर्वी भाग हमारा अलग कर दो भाई। समझ आ गए दोस्तों, ये मांगे थे इनकी। तो इस तरीके से आप नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो में देख के थोड़ी देर रोक देता हूं, ठीक है, स्टॉप करके नोट कर लेना ये। अब आओ दूसरे चैप्टर पे, अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, दूसरा दोस्तों, ठीक है। अब देखो दूसरे चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच तीन स्तर के विधायक शक्तियों का, विधायी है दोस्तों, ठीक है, विधायी शक्तियों का बंटवारा, तीन स्तर की विधायी शक्तियों का बंटवारे की व्याख्या कीजिए। मतलब ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और जो भी लेवल वाइज जो आपकी पावर्स बटी हुई है तो उसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच तीन स्तरीय विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो देखो सबसे पहले यूनियन लिस्ट, सबसे पहले आपकी यूनियन लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, संघ सूची। दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट हो जाएगी, राज्य सूची। तीसरी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। अब समझना ये सब है क्या जो हम बोले जा रहे हैं, धीरे से ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में कैसे पावर डिवाइड है, इसको शो करना है। तो सबसे पहले स्टेट यूनियन लिस्ट या संघ सूची जिसमें सिर्फ कौन काम करेगी, केंद्र सरकार। एक राज्य सूची जिसमें कौन काम करेगी, राज्य सरकार। एक समवर्ती सूची जिसमें कौन काम करेगी, सिर्फ आपकी दोनों मिलकर काम करेगी, ठीक है। तो संघ सूची में वो सारे काम जो कौन करेगी, केंद्र सरकार। राज्य सूची में वो सारे काम जो कौन करेगी, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में वो सारे काम जो दोनों मिलकर करेंगे, तो जैसे करेंसी, रुपया, ये सब कौन देखेगी, केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सूची में से पुलिस, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। और समवर्ती सूची इसमें दोनों काम करेंगे, जैसे एजुकेशन पे दोनों काम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये रहा, लिख लेना आराम से। और इसको कैसे लिखा जाता क्वेश्चन को, तो इसकी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और किसी भी चैप्टर की आपको सेपरेट वीडियो देखनी है क्वेश्चन की, तो वो भी आप देख सकते हो, सब मिलेगा एचआर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा स्थायी सरकार में क्या बदलाव आए। ये बोला 90 स्थानीय है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है 1992 का जब संशोधन हो गया तो लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आए। तो 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, स्थानीय सरकार में कई तरह के बदलाव देखने को मिले। जैसे कि पहला बदलाव, स्थानीय सरकार कानून नियमों 1992 से पहले स्थानीय सरकारें कानूनों के नियमों से काम नहीं करता था, मतलब कानूनी रूप से पहले काम नहीं करते थे अच्छे से, ठीक है, रूल रेगुलेशन से काम नहीं चलते थे। दूसरा, जब 1992 के बाद स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिला, क्या हो गया ये, संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, उसके बाद नियम कानून से काम होने लगा। पहले अच्छे से काम नहीं होते थे, उसके बाद अच्छे से काम होने लग गया रूल रेगुलेशन से। चुनाव भी नियमित अंतराल में होने लगे, मतलब चुनाव भी रेगुलर होने लग गए जैसे होने चाहिए, पर पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। 1992 से पहले ऐसा नहीं होता था, 1992 के बाद ये सारी चीज़ें हो गई, ये ध्यान रखना। कई प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई, जैसे महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, एससी एसटी के लिए आरक्षण, और चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। तो ये सारे बदलाव देखने को मिले 1992 के बाद दोस्तों, ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट, 1990 से पहले केंद्र राज्य के संबंधों में क्या बदलाव है, मतलब 1990 से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, तो इनके रिलेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो हल्का से समझो, 1989 से पहले देखा जाए, 1989 कर लो, 1990 भी आ सकता है, 1989 भी आ सकता है। तो इससे पहले आपके इंडिया के अंदर गठबंधन सरकार नहीं थी, अलायंस गवर्नमेंट नहीं थी। गठबंधन सरकार क्या होती है, जब दो तीन सरकारें आपस में मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है, दो तीन पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, गठबंधन सरकार। बट 1989 से पहले गठबंधन सरकार नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा खासा राज चलता था, हर जगह कांग्रेस की सरकार थी। बट 1989 के बाद बहुत सारी पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाने लग गई, तो केंद्र में अलग सरकार चलती है और राज्य में अलग सरकार चलती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए दोनों में। तो यही चीज लिखी हुई है, प्रारंभिक यानी शुरुआत के वर्षों में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली और किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का मौका ही नहीं दिया, जिससे केंद्र और राज्य स्तर
पर सरकार चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। बट 1989 के बाद गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ जिसमें अनेक पार्टियों ने सत्ता हासिल करने का मौका मिला। ठीक है, बहुत सारी पार्टियों ने क्या करी, सत्ता हासिल करी, पावर हासिल करी। इसी कारण केंद्र राज्य में अलग अलग सरकार बनने लगी, जिस कारण क्या होने लग गया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया और केंद्र सरकार अपना दबदबा दिखाने लग गई, 356 आर्टिकल गलत यूज करने लग गई। तो 356 आर्टिकल क्या होता है, 356 आर्टिकल से क्या होता है, राज्य के अंदर राज्य सरकार को हटा के केंद्र सरकार शासन करने लग जाती है। ये रहा, ये देखो ये लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये आता है, संघवाद और एकात्मक शासन प्रणाली। तो दोस्तों आपको फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम, देखो फेडरलिज्म वहां होता है जहां पे दो से ज्यादा सरकारें होती है, जहां से दो से ज्यादा सरकारों के पास पावर होती है। एकात्मक प्रणाली वो होती है, यूनिटरी सिस्टम वो होता है जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी शासन करती है। ठीक है, जैसे केंद्र केंद्र के पास पावर होगी, तो इसका एग्जाम्पल श्रीलंका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल इंडिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो अपने दोनों चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गए, अब तीसरे चौथे चैप्टर पे चलते हैं। अच्छे से आपको समझ आ रही होगी चीजें भाई, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत बता देना, वैसे दिक्कत नहीं होगी, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा और आपको आसानी लग रहा होगा बहुत ज्यादा, कहीं भी दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आएंगे, बस इसको अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, अब चैप्टर अपना जाति धर्म वाला देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधि बहुत कम हुआ है, मतलब पॉलिटिकल में देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन कम है किसका, वुमेन्स वगैरह का, तो इस कथन को सही ठहराए। तो दोस्तों सही में देखोगे तो आप लोकसभा के अंदर सिर्फ 10% वुमेन है, सिर्फ 10, और करेक्ट डाटा दो 14.32%, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपकी विधानसभा उसमें सिर्फ कितने परसेंट है, 5% से भी कम है। तो ये दिखा रहा है कितने पॉलिटिकल के अंदर अगर देखा जाए विधानसभा लोकसभा में महिलाएं कितनी कम है। और मान लो गलती से वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाती है या फिर मुख्यमंत्री सीएम बन जाती है, फिर भी कैबिनेट में वर्चस्व किसका रहता है दोस्तों, पुरुषों का रहता है, जिस कारण महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका आंसर आपको समझ आ गया होगा, मैंने ये था जो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो वीडियो है, बट ऐसे आप क्वेश्चन उतार लो। अब समझो, सेकंड क्वेश्चन है, जाति समकालीन भारत से अभी भी गायब नहीं हुई है, इस कथन की पुष्टि करें। मतलब आप बताओ कि अगर कंटेम्प्ररी इंडिया में देखा जाए तो कास्ट अभी भी वैसी है जैसे पहले चलते हुए आ रहा है। तो एरियल अभी भी देखो, लोग अपनी ही कास्ट में, अपनी ही कम्युनिटी यानी अपने समुदाय में क्या करते हैं, विवाह करते हैं यानी शादी वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा ब्राह्मण ब्राह्मण से करता है, तो ये कास्ट सिस्टम पहले से चलते हुए आ रहा है जो आज भी हमें देखा जाता है। देखा जाए तो संविधान में काफी सारे प्रावधान यानी काफी सारे प्रोविजन लाए गए जिससे अनटचबिलिटी खत्म हो, छुआछूत की जो चल रही थी ना, अस्पृश्यता के उन्मूलन करने के लिए आर्टिकल 17 बनाया गया था, तो कहाँ अच्छी तरीके से काम हो रहा है, अभी भी ये चीज़ें स्टार्ट है गाँव के अंदर। शहर में तो चीज़ें कम हो गई है, लेकिन गाँव में अभी भी चीज़ें क्या हो रही है, चल रही है। समाज में अभी भी वो चीज़ें महसूस हो रही हैं जो पहले हमें देखा गया, सदियों से जो चलती हुई आ रही है दोस्तों। और देखा जाए तो निम्न जाति के बंदे हैं, जो लो कास्ट के बंदे हैं, वो देखा जाए तो एक बड़े समूह की अभी भी शिक्षा तक नहीं पहुंची है। मतलब अगर देखा जाए तो मेजर जो कास्ट के बंदे ना, जो लो कास्ट के बंदे, तो मेजर बंदों तक अभी भी एजुकेशन नहीं पहुंची है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो ये कर रहा है कि अभी भी कंटेम्पररी इंडिया के अंदर जाति गायब नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इंग्लिश हिंदी समझ आ रहा ना, अब देऊंगा भी ओटी ओट पे थप्पड़, अब दिक्कत हुई तो अब होनी भी नहीं चाहिए। अब समझो, सेकंड क्वेश्चन है, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधि सुधारने के लिए क्या कदम उठाया जाए, मतलब पॉलिटिकल के अंदर वुमेन्स को किस तरीके से एंट्री दी जाए, क्या ऐसा सुधार होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सीटें रिजर्व कर दी जानी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा साक्षरता, देखो पहला तो यही है, साक्षरता दर में वृद्धि करें, मतलब उनकी एजुकेशन बढ़ाए, एजुकेटेड करें महिलाओं को। दूसरा समझ आ गया, लोकसभा और राज्यसभा जो विधानसभा, इन सब में इनकी सीटें क्या होनी चाहिए, कुछ रिजर्व होनी चाहिए। निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए उचित अनुपात के लिए कानूनी रूप से निवारण करना चाहिए, मतलब अच्छे से जो भी निकाय, जो भी आपके इलेक्शन वगैरह होते हैं, बोर्ड वगैरह, इसके अंदर उचित अनुपात में, ठीक है ना, महिलाएं होनी चाहिए, कानूनी रूप से निवारण दो इसको, ज्यादातर महिलाएं होनी चाहिए। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ताकि एक माहौल तैयार किया जा सके, मतलब नौकरियों में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, नॉर्मली जो जॉब्स होती है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट किससे कराया जाए, वुमेन से कराया जाए। ठीक है, ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए जिससे वुमेन्स का भी क्या होने लग जाए, डोमिनेंस होने लग जाए, वर्चस्व बढ़ने लग जाए। ठीक है, अब देखो नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, नारीवादी आंदोलन क्या है, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी, तो इन उनकी, ठीक है, तो अब समझो, वह आंदोलन जो जीवन के सभी पक्षों में पुरुषों और महिलाओं की समानता का समर्थन करता है, नारीवादी आंदोलन कहलाता है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है इतना बड़ा, कुछ भी नहीं, आराम से समझो, वुमेन्स को मेन्स के बराबर लाना, यही नारीवादी आंदोलन है दोस्तों। नारियों को बढ़ावा देना कि वो भी, मतलब कोई अंतर ना हो वुमेन्स और मैन में, दोनों लगे कि इक्वल है, समझ आ रहा ना, तो यही नारीवादी आंदोलन का एकदम उद्देश्य है, पर्पस है। तो पहला क्या है, महिलाओं के लिए समान अधिकार, मतलब जो पुरुषों के लिए अधिकार है वो महिलाओं के लिए, देखो सब सेम मिलेगा। विश्व भर में महिलाओं को मतदान के अधिकार का विस्तार, मतलब उनको वोट देने का
राइट्स मिले, महिलाओं के राजनीतिक और कानूनी स्थिति को बेहतर बनाना, मतलब पॉलिटिकल के अंदर उनको ज्यादा ज्यादा घुसाओ, ठीक है ना, जॉब्स वगैरह तो ज्यादा ज्यादा, तो वही सब चीज बता रखी है, महिलाओं के लिए शिक्षा और करियर के अवसरों में सुधार करना, ठीक है, एजुकेशन वगैरह को बढ़ावा देना, तो यही चीज आपके नारीवादी आंदोलन के पर्पस यही है, ये आप नोट कर लो। अब आगे, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत यानी बोल रहा है जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परंतु वे अभी भी पुरुषों के काफी पीछे है, मतलब अभी भी वो पुरुषों से बहुत पीछे है, तो विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों में समझाइए, मतलब आप समझाओ इस चीज को कैसे अभी वो पुरुषों से पीछे, सुधार तो हुआ है लेकिन अभी भी पुरुषों से पीछे। तो देखा जाए तो एजुकेटेड दर देखा जाए महिलाओं का तो 54% और पुरुषों का देखो 76% है भाई, ठीक है। उसके बाद ऊंचा वेतन पुरुषों को मिलता है, ऊंची स्थिति ऊंची पद क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे, ठीक है ना, पुरुष अभी बहुत ज्यादा हर चीज में। असमानता लिंग अनुपात अभी भी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 है और कहीं कहीं तो 800 भी जा चुकी है, हरियाणा जैसे राज्यों में कितनी जा चुकी है 800। फिर घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न जन प्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी अथवा प्रतिनिधित्व, ठीक है, घरेलू काम में रहती है, ठीक है, सामाजिक कार्यों में उठ के नहीं आ पाती महिलाएं, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम है, मतलब जितना पैसा पुरुष सोच सकते हैं ना कि मैं कमा लूंगा, तो उतना एक होता है ना अंदर से आवाज आना आत्मनिर्भरता, वो कम है किसमें, वुमेन्स के अंदर, नोट करो इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपना चौथा चैप्टर आता है पॉलिटिकल पार्टी, तीन चैप्टर हमने फिनिश कर लिए जल्दी। पॉलिटिकल पार्टी का पहला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां, मतलब कौन कौन सी चैलेंजेस है राजनीतिक दलों के सामने, तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर कि बड़े बड़े नेता देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी में ऊपर है, छोटे मोटे जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ पाते अपने अच्छे काम को भी लेकर, ठीक है। दूसरा, वंशवाद की चुनौती, वंशवाद आपको पता है वंश बाय वंश चलता रहता है, बाप मर जाएगा बेटा बनेगा, बेटा मर जाएगा उसका बेटा बनेगा, तो वंशवाद चुनौती है, ठीक है। विकल्पहीनता की चुनौती, मतलब अब चॉइस ही नहीं है बंदों के पास, कांग्रेस भी एक ही पॉलिसी रख रही है, बीजेपी भी एक ही पॉलिसी रख रही है, तो हमें पॉलिसी अलग पॉलिसी नहीं मिल रही जिससे हम अट्रैक्ट हो सके दूसरी पार्टी की ओर, ठीक है। सबकी चॉइस, सबकी पॉलिसी क्या हो रही है, बराबर हो रही है, तो हमारे पास चॉइस नहीं मिल रही। धन बल बाहुबल, मतलब क्रिमिनल लोगों की एंट्री हो रही है, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा उनकी एंट्री हो रही है, मतलब एक होता है ना पॉलिटिकल बंदा, खतरनाक बंदा नहीं आ रहा, पढ़ा लिखा बंदा, अब तो धीरे धीरे एंट्री हो रही है पढ़े लिखे बंदों की, पर देखा जाए तो ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। पांचवा, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो यही सब चीज है, करप्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो तो करप्शन ना हो भाई। अब सेकंड क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है और राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है, वही है तो कोई नहीं एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, प्रमुख कार्य क्या है। पहला, चुनाव, ये सबको आता है भाई, इलेक्शन लड़ना, ठीक है, राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, सरकार बनाना, ठीक है, ये काम है, नीतियों का निर्माण करना अच्छे से, ये सारी चीजें, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है, आप आराम से भी पढ़ सकते हो उसको, बस मैं मेन मेन लाइन पढ़ दे रहा हूँ। कानून निर्माण करना, कानून वगैरह बनाना, तो यही काम है किसके, राजनीतिक दलों के, पॉलिटिकल पार्टी के, ये आप आंसर लिख लेना। विपक्ष की भूमिका निभाना, ठीक है, जनमत का निर्माण करना, कैसे तरीके से वोट वगैरह निकलवाना, कड़ी का कार्य करना, राजनीतिक दल और जनता के बीच कड़ी का कार्य कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। नोट करो इसको, राजनीतिक दल और जनता के बीच सरकार का काम कौन करती है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या सुधार दिए जाए ताकि वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाए, ऐसे क्या सुझाव करना चाहोगे आप, आपका पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कि अच्छे चीजें होने लग जाए, ठीक है, देश अच्छे से चलने लग जाए और वो अपनी अच्छी अच्छी भूमिका निभाए। दल बदल कानून को सख्त करें, जो भी डिफेक्शन लॉ आया, जो भी दल बदलते एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, एक पार्टी में जीत के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जीतने के बाद, तो ये बंद होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए, ठीक है, अपराधियों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। चुनावों में 33% सीट रिजर्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए, ठीक है। राजनीतिक दल के लिए संगठन का चुनाव तथा संविधान का अनिवार्य, मतलब संवैधानिक रूप से क्या होनी चाहिए आपके, चुनाव वगैरह होने चाहिए, वही सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छे शिक्षित लोगों को सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए, जो भी शिक्षित लोग हैं एजुकेटेड बंदे ये ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक दलों पर जन सामान्य दबाव समूह आंदोलन और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाकर सुधार किया जा सकता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में हम सुधार कर सकते हैं, कौन कौन, आप मूवमेंट करके सुधार कर सकते हो, ठीक है, अपोजिशन पार्टी सुधार कर सकती है, मीडिया सुधार कर सकती है, सब मिलकर सुधार कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में,
आसान लग रहा होगा आपको सब कुछ, ठीक है ना। बस आपको मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, अच्छे से ये करके जाना दोस्तों, यही पूछेगा एग्जाम में, गलती मत करना इसको छोड़ने की। अब आपको एक होमवर्क दिया जाता है, ये होमवर्क ये है कि सभी दलों की चर्चा, आप सभी दलों के बारे में पढ़ ले, ठीक है ना। ये होमवर्क 5 मिनट की वीडियो बना रखी है, वहां से देख लेना। अब आप अपने लास्ट चैप्टर पे लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, मतलब फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, उसमें नहीं होते हैं भाई, ठीक है। लोकतंत्र में नीति निर्णयों की खुली बहस होती है, मतलब अच्छे से सब अपनी पॉलिसी वगैरह रखते हैं, ठीक है, अपने डिसीजन वगैरह रखते हैं, लेकिन वहां पे तो पॉलिसी अपने मन से रख देगा, वो अपने मन से डिसीजन ले देगा, कुछ भी जनता से कोई पूछताछ नहीं होती। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, मतलब लीगल सरकार होती है, वहां पे लीगल तरीके से सरकार होती है भाई, कोई भी बैठ के बैठ गया आप, चलो भाई चल ले दो सरकार, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया देख सकते हो, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है, ठीक है ना। लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं उनकी स्थिति जो होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, उसमें नहीं होती, क्योंकि इनके पास सारे राइट्स होते हैं और डिक्टेटरशिप में राइट्स नहीं होते हैं। ये लिख लो आप। कोई 4 परिणाम बताइए जिसका लोकतंत्र, जिस कारण लोकतंत्र जो है दोस्तों असफल हुआ है। देखो, आर्थिक विकास अच्छे से ना होना, ठीक है, दूसरा निर्धनता, गरीबी वगैरह, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, गरीबी वगैरह नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा, गरीबी चरम सीमा पे, एजुकेशन उस हिसाब से नहीं है, सामाजिक और आर्थिक असमानता, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी वगैरह, तो इस कारण जो है असफल होता है थोड़ा बहुत लोकतंत्र, ठीक है। करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा है, समझ आ गया दोस्तों। अब दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार के गुण और विशेषताएं बताएं, मतलब लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी है। तो ये तो आप जितना लिखोगे उतना कम है, इतना प्यारा लोकतंत्र है दोस्तों, ठीक है, इंडिया के अंदर भी। लोकतंत्र में जनता अपने शासक को खुद चुनती है, ठीक है, लोकतंत्र में जनता अपने शासक को बदल सकती है, चुन भी सकती है, बदल भी सकती है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, ठीक है, संविधान का शासन होता है, सरकार भी अपने हिसाब से नहीं चला सकती देश को। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू एक होती है। लोकतंत्र में नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, पूरी की पूरी समानता लाई जाती है। प्लस में लोकतंत्र व्यक्ति गरिमा को बढ़ाता है, डिग्निटी को बढ़ाता है, जिससे हर एक व्यक्ति इंडिया के अंदर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकता है। तो ये था आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप नोट कर लो। ये तो यहीं पे दोस्तों जो हमारा ये पूरा एकदम पांचों चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये फिनिश होते हैं। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है, लगे रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट सर, थैंक यू। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं कमल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल HR Academy पर। तो 2024 के जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, ज्यादा 10 से 15 दिन बचे पड़े हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आऊं क्लास 10th की हिस्ट्री के सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से कौन कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और जो सेकंड चैप्टर उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इन सभी के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है पहला, वो है राइट अ नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि ग्रीक में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1821 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, यानी जो ग्रीक है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, तो ऐसे में 1821 में यहाँ पे ग्रीक के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। द ग्रीक वर सपोर्टेड बाय वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मतलब क्या था कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो खुद में ही बहुत ज्यादा क्या था, पावरफुल, तो ऐसे में जो ग्रीक है उसने किसकी हेल्प ली आजादी के लिए, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है। और फिर फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि कब हुई थी, 1832 में, इसके बाद से जो ग्रीक है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में बोलते हैं कुस्तुस्तुनिया की संधि, ठीक है, जो कि ऑटोमन एम्पायर और ग्रीक के बीच में हुआ था, कब, 1832 के अंदर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इटली, मतलब जो इटली है उसके यूनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो जो इटली था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो कि आगे चलकर क्या हो गया था, यूनाइट हो गया था, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट क्या है उसको पढ़ते हैं, इटालियन यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू, ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था ही, साथ में एक जटिल या यूं बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था इसको यूनिफाई करने में, ठीक है। शुरुआत में जो इटली है वो 7 पार्ट्स में बटा हुआ था। पहला जो अटेम्प्ट है इटली को यूनिफाई करने का वो किसने किया था, मज़िनी ने, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन जो प्रोसेस
जो है वो सार्डिनिया पिगमोंट के प्रिंस के द्वारा किया गया, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। हालांकि इस चीज में जो सबसे अहम भूमिका रही थी वो किसकी रही थी, काउंट कैवर की, जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था किसका, विक्टर इमैनुअल सेकंड का। और फिर 1861 में जो इटली है वो यूनाइट हो गया था, और पूरे यूनाइट इटली का जो राजा बना वो कौन बना था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश यूनिफिकेशन। अभी यहाँ पे ब्रिटिश यूनिफिकेशन की बात की जा रही है, अभी हमने इटली का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ है, एक बार उस पर गौर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो ब्रिटेन है वो शुरुआत में जब इसकी यूनिफिकेशन की जा रही थी तो यूनिफिकेशन में इसके बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस, मतलब भाई लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा प्रोसेस था, ठीक है भैया, बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन 1688 इंग्लैंड इस्टेब्लिश एज अ नेशन स्टेट, मतलब जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेशन था वो या स्टेट था वो कौन था दोस्तों, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड के साथ एक ट्रीटी की जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, उसके तहत जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है वो एक हो गए थे। फिर फोर्सफुली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने किसको अपने अंदर शामिल कर लिया था, आयरलैंड को। और जब आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जब यूनिफाई हो गए तो उसी को किस नाम से जाना गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलते हैं हम लोग अपने सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट, यानी जो खिलाफत मूवमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, खिलाफत मूवमेंट किया क्यों गया था, तो ओटोमन एम्पायर के जो राजा हुआ करते थे उनको खलीफा बोला जाता था, क्या बोला जाता था, खलीफा। तो जो खलीफा थे उन लोगों को ना यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा क्या कर लिया गया था, एक तरह से कैदी बना लिया गया था। तो ऐसे में वहाँ के जो मुस्लिम पीपल थे उन लोगों ने अपने खलीफा को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन किए, और ठीक ऐसा ही आंदोलन इंडिया के बॉम्बे में हुआ एक कमेटी बनाकर, जिसका नाम क्या था, खिलाफत कमेटी, जो कि मुस्लिम लीडर्स के द्वारा बनाया गया था, कब, मार्च 1919 में, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर थे, दो मुस्लिम लीडर थे, उन दोनों के आप लोग मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर पढ़ोगे तो उनके आंसर यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज पूना पैक्ट, यानी जो पूना पैक्ट है वो है क्या, और ये जो समझौता ये आखिर हुआ किसके बीच में था। तो ये जो पूना पैक्ट है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। अब क्यों हुआ था, तो यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो शुरुआत से ही दलितों के और जो निचली जाति के थे उनके हित में थे, तो ऐसे में इन लोगों को ना ज्यादा अधिकार दिए नहीं जाते थे। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो चाहते थे कि इन लोगों के लिए ना एक अलग इलेक्टोरेट हो, मतलब सेपरेट क्या हो, इलेक्टोरेट हो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो। तो ये चीज महात्मा गांधी से मानने से क्या कर दिया इनकार। तो फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट। कब हुआ था, सितंबर 1932 में, क्लियर है। यहाँ पे इस पूना पैक्ट के बाद दलितों को यहाँ पे क्या देना स्टार्ट कर दिया, रिजर्वेशन यानी आरक्षण देना स्टार्ट कर दिया। चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, डिस्क्राइब सॉल्ट मार्च, व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सॉल्ट मार्च क्या है। अब ये जो सॉल्ट है इसके अंदर सॉल्ट को ही क्यों सिंबल बनाया गया, तो यहां पे ध्यान सुनना, पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, द सोल्ट मार्च वॉज अ मास सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द सोल्ट टैक्स इम्पोज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब क्या था कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा इंडिया के जो टैक्स था, मतलब सॉल्ट था, सॉल्ट के ऊपर क्या लगा दिए गए थे, बहुत सारे टैक्स। और जो सॉल्ट है ये एक बेसिक नेसेसिटी होती है जो कि हर एक इंडियन, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके द्वारा क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो एज अ सिंबल सॉल्ट को यूज किया गया था सॉल्ट लो तोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हमारे फिफ्थ चैप्टर पे, और फिफ्थ चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन एनी फोर फीचर ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी हाथों से लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब जब इंडिया के अंदर प्रिंट कल्चर था नहीं तो लोग ज़्यादातर किससे लिखते थे, अपने हाथों से, और उस चीज़ को क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट के फोर फीचर पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छह लिख रखे, ठीक है। तो पहला क्या है, पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड मतलब क्या है कि पहले के समय में जब हाथों से मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाता था ना तो उसे बहुत तौर तरीके से सजा कर लिखा जाता था, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर अवेलेबल ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, मतलब कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करते थे इनको ऐसी भाषा में लिखा जाता था जो कि हर कोई क्या कर सके, ईजिली समझ सके, ठीक है। चलो
थर्ड पॉइंट क्या है, देवर हाईली एक्सपेंसिव, मतलब हैंड रिटन जो चीज़ें होती थी या हैंड रिटन जो भी प्रोडक्ट हुआ करते थे वो मशीन के मुकाबले क्या हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, देवर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब क्या है, जो आसानी से या जल्दी से क्या हो जाए, खराब हो जाए। भाई जो हाथों से चीज़ें लिखी जाती थी वो जल्दी क्या हो जाए करती थी, खराब, ये भी एक कारण है उसके एक्सपेंसिव होने का। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देवर दे कुडंट रीड ईजिली एज द स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, मतलब क्या है कि भाई हाथों से जब लिखा जा रहा है तो जरूरी थोड़ी है हर किसी की हैंड राइटिंग एक जैसी होगी, सब लोगों की हैंड राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों को पढ़ने में क्या होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। छठा पॉइंट, देवर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ, मतलब एवरीडे लाइफ में यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, वो वॉज जॉन गुटेनबर्ग, एक्सप्लेन हिज रोल इन हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, मतलब कि जॉन गुटेनबर्ग है वो कौन था और इसका प्रिंटिंग के कल्चर में क्या योगदान रहा था हिस्ट्री में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जॉन गुटेनबर्ग जो था भैया वो जर्मन स्कॉलर था। गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ मर्चेंट एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, ठीक है, मतलब कि ये एक स्कॉलर का बेटा था, मर्चेंट का बेटा था, ऐसे में इस शुरुआत से मतलब बचपन से ही ये इसको किस चीज़ के बारे में पता था, वाइन प्रेस के बारे में, ऑलिव प्रेस के बारे में, ठीक है। ऑलिव प्रेस, वाइन प्रेस ये तरीका है यहाँ पे तेल निकालने का और वाइन निकालने का, ठीक है दोस्तों। गुटेनबर्ग प्रेस वॉज इस्टेब्लिश बाय जॉन गुटेनबर्ग, मतलब गुटेनबर्ग प्रेस एक मशीन है जो कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा, कब, 1448 में, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे बाइबल की बुक छापी गई थी, जिस जो कि 3 साल के अंदर कितनी कॉपीज छपी, 180 कॉपीज, ठीक है। चलो चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो वॉज मार्को पोलो, वॉट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रिंट कल्चर, मतलब भाई यहाँ पे मार्को पोलो कौन था और प्रिंट कल्चर में उसका क्या योगदान था, सेम क्वेश्चन जो पिछला पूछा था, ठीक है। पहला पॉइंट, मार्को पोलो वॉज अ ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर हम उन लोगों को बोलते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये वही था, इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, मतलब भाई चाइना में काफ़ी टाइम तक रहा, चीज़ों का एक्सप्लोर करा, इन्फॉर्मेशन गैदर की, और उसके बाद ये वापस आया इटली में, और जब ये इटली में आया तो इसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को क्या किया, इस्टेब्लिश, और धीरे धीरे यही चीज़ पूरे यूरोप में क्या हो गई, फैल गई, क्लियर है दोस्तों। नाउ इन इटली बुक्स स्टार्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड विथ वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, मतलब क्या था कि भाई पहले इटली में ये सारे इसने स्प्रेड किया और फिर धीरे धीरे यही टेक्निक पूरे यूरोप में क्या हो गया, अच्छे तरीके से फैल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों चैप्टर के तीन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से लिख लेना और याद करके चले जाना, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से ही आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो जाएगा आप सभी का भटकना बंद इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कराए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि फाइनल टर्म के एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, इसलिए बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक बने रहना और चीजों को एकदम बारीकी समझना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं में डिफरेंस बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप सभी का, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं में डिफरेंस बताएं। अब इसको जानने से पहले आप छोटी सी एक समझ लो, देखो आजकल के टाइम पर डेवलपमेंट का मीनिंग जो है हम क्या समझते हैं, मनी समझते हैं, ठीक है। मनी भी इसलिए समझते हैं क्योंकि डेवलप होने के लिए जितनी सारी चीजें चाहिए वो सारी हमें मनी से आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि मनी से नहीं खरीदी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो गया, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गया, क्या हो गया आप सभी का, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं अभौतिक वस्तुएं। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या, समानता हो गया, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप, उसके बाद में स्वतंत्रता हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे भैया आज के टाइम पर तो दोस्ती बिकती है, तो बाबू दोस्ती जो बिकती है ना वो दिखावटी वाली दोस्ती होती है, जो रियल फ्रेंडशिप होती है उसकी आज भी कोई कीमत नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गया, मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। मेटेरियलिस्टिक जिसको हम पैसे से परचेस कर सकते हैं और नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग जिसको हम पैसे से परचेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। देखो कोई भी जो नेशन होता है, कोई भी जो कंट्री होती है, ठीक है, उसका जो मूलधन बोला जाए, उस कंट्री का बेस बोला जाए, तो वहां के क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो इसका मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेटर कर देना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। इसी को मैंने इंग्लिश के अंदर लिखा है क्या,
द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन, इट्स कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा ही करना क्या कहलाता है, राष्ट्रीय विकास कहलाता है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। देखो एक चीज जान लो, पेपर के अंदर क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करो, पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि डिफरेंट कंट्रीज को या डिफरेंट स्टेट्स को कंपैरिजन करने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। तो आपका पहला फैक्टर कौन सा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या, वन ईयर के अंदर 1000 जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से जितने बच्चे जिंदा हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। दूसरा क्या आपका लिटरेसी रेट, जिसको हिंदी में क्या होते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं, भाई कितने बंदे पढ़े लिखे हैं, कितने बंदे ऐसे जो कि अपनी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, अपनी मातृभाषा को लिख सकते हैं, तो उसको लिटरेसी रेट के अंदर काउंट करते हैं। थर्ड क्या आपका नेट अटेंडेंस रेशो, मतलब इसका मतलब क्या है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100 बच्चों में से स्कूल के मतलब स्कूल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो बोलते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को समझाने के लिए आपके बुक के अंदर तीन एग्जाम्पल लेंगे, एक बिहार, केरल और हरियाणा, तो इन तीनों मतलब इन तीनों स्टेट से आपको तीनों चीज़ समझाई होंगी। और लास्ट के अंदर अपना क्या है, वर्ल्ड बैंक, चौथा फैक्टर क्या है अपना, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया था कि जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज़्यादा है वो रिच कंट्री होगी, और जिस भी कंट्री का $955 से कम है पर कैपिटा इनकम वो क्या कहलाएगी, पुअर कंट्री कहलाएगी। तो ये थे आपके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है बीएमआई के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। अब इसके तहत में आपको दो नंबर ध्यान रखने, एक 18 और दूसरा क्या है 25। अब इन दोनों के बीच में जो भी मतलब रैंक आएगा, जो भी नंबर आएगा, वो बंदा कहलाएगा हेल्थी। बाकी अगर मान लो जिसका 18 से कम आया बीएमआई तो वो कहलाएगा कुपोषण का शिकार, और जैसे वो कहते हैं जो 25 आएगा तो 25 अगर मान लो किसी का ज्यादा नंबर आया तो मोटापे का शिकार कराएगा। तो जल्दी से 18 से कम वाले का एक बार सुमित सर का आइडियोग्राम निकाल लेना ना, तो उसमें पता चल जाएगा कुपोषण के शिकार है कि नहीं है, अभी बगल में खड़े हैं। समझ में आ गया भाई बीएमआई के बारे में, 18 से 25। और देखो इसको निकालते कैसे, आपको सबसे पहले लेना वेट, वेट को लेना केजी के अंदर, उसके बाद में हाइट को लेना है मीटर में। ठीक है, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी देख लेना, वैल्यू कहाँ पर रैंक करती है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार क्लीन कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट बनता है कि 3 types ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पूछेगा तो आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर 3 type की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला क्या है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्जरी। देखो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एकदम सिंपल सा, जो कि नेचुरल रिसोर्स के ऊपर चीजें डिपेंड हो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। और नेचुरल रिसोर्स को जब हम रिफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। उसके जो कोई प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो आएगा टर्जरी एक्टिविटी के अंदर। देखो प्राइमरी हो गया नेचुरल रिसोर्स, सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, और टर्जरी क्या हो गया आपका ट्रेड, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, यातायात वगैरह, क्योंकि इसके तहत में हम लोगों को प्रोडक्ट वगैरह पहुंचाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर पार्ले जी बिस्कुट वगैरह बना है तो पार्ले जी बिस्कुट लोगों तक पहुंचाएंगे किसके जरिए, ट्रेजरीज एक्टिविटी के जरिए। तो एक तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में आता अपना सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखो सकल घरेलू उत्पाद, देखो एक चीज समझना, इसका मतलब क्या था, जो भी फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस और एक साल के अंदर बोल रहे, देखो एक साल के अंदर फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस और उसके बाद में जितनी भी एक साल के अंदर सर्विसेज बनी हुई है उनको कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं। अब इसको समझने से पहले देखो इस चीज को समझो, कहां गया, हां फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज। देखो फाइनल गुड्स का मैंने मतलब क्या है, इस मामले में आपको फोन बनाना है, फोन के लिए कैमरा अलग से बनता है, उसकी बॉडी अलग से बनती है, कलर अलग से होता है, सॉफ्टवेयर अलग डलता है, तो इन सभी को अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन जब हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फोन, तो उस फोन का दाम कैलकुलेट कर लिया और एक साल के अंदर जितनी भी सर्विसेज बनी है उन सभी को काउंट करके हम क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। उसके बाद में देखो आपके अपने दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तीन क्वेश्चन अपने यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में दो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे टॉपिक ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछ लेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछ लेगा, इसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र, इसको बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, इसको मैं एक वर्ड के अंदर खत्म करा दूंगा। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब, और तुम्हें पता भाई गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या है, सैलरी ज्यादा होना, पेड हॉलीडेज मिलना, उसके बाद में तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होती है और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सारे पॉइंट याद होंगे तुम्हें गवर्नमेंट जॉब, और तुम 12th के बाद इसी की प्रिपरेशन करने वाले हो। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होगा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, बाकी जितने भी निजी उद्योग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया आप सभी को, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपना बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर, थर्ड चैप्टर, हाँ
थर्ड चैप्टर जो आपका मनी एंड क्रेडिट के बारे में है। देखो मनी मतलब क्या, पैसा, पैसा बोलता है, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख उधार, जो कि आप अपने दोस्तों को पैसे देते हैं तो जो कभी जिंदगी में लौटाता नहीं है उसे ही बोलते हैं साख। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब इससे रिलेटेड अपना पहला क्वेश्चन क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें। देखो ऋण की शर्तें क्या है कि मतलब कोई भी जो हम ब्याज और मतलब कोई कर्जा देखते हैं तो उसकी शर्तें क्या होती है, ये जो बताया गया ये आपका फॉर्मल सेक्टर में है। किसमें है? फॉर्मल सेक्टर। अभी बताऊंगा ये क्या होता है, क्या हो गया फॉर्मल सेक्टर, थोड़ी सी राइटिंग खराब है दोस्तों। देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है, ऋण की शर्तें। तो इसके अंदर पहला चीज जरूरी क्या होता है, अपना इंटरेस्ट रेट। अगर मान लो कहते हैं बैंक से लोन वगैरह लेने जाओगे, कर्जा वगैरह लेने जाओगे, तो सबसे पहले क्या लगाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट लगाएगा जिस हिसाब से आप पैसे वगैरह लोगे। दूसरा वो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएगा, ठीक है, दस्तावेज वगैरह रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंदर पैसे वगैरह लिखेंगे, कब तक लौटाओगे, ठीक है, और कितना कितना लौटाओगे, तो सारा डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा। तीसरा क्या है, मेड ऑफ रीपेमेंट, मतलब पैसे जो आप किस तरीके से लौटाना पसंद करेंगे, पर मंथ पैसे जमा करेंगे या छमाही पैसे जमा करेंगे, त्रिमाही पैसे जमा करेंगे, वो आपका जगह मेड ऑफ फ्री पेमेंट के अंदर। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आधा लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया के अंदर जो है उधार वगैरह मिलता है दो तरीके से मिलता है, एक तो फॉर्मल, फॉर्मल वाले हमने चर्चा कर लिया, ठीक है, मतलब जो बैंक से वगैरह लोन मिलते हैं, जो गवर्नमेंट से मिलता है उसको हम बोलेंगे फॉर्मल वाला, ठीक है। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जो कि हमने चाचा ताऊ से हम पैसे वगैरह उधार ले लेते हैं ना, जिसका मतलब कोई मेड ऑफ रीपेमेंट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होता, चाचा ताऊ हमारी जब मर्जी बोल देते हैं भाई पैसा लौटाने के लिए, तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। समझ में आ गया भाई, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब चाचा ताऊ वाला, और फॉर्मल सेक्टर का मतलब बैंक वाला। क्लियर हो गया, ठीक है। अपना थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। देखो अब ये जो ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन है ना, इसका गाँव के अंदर ज्यादा है, क्योंकि गाँव के अंदर क्या होता है, लिटरेसी रेट कम होती है, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, और गांव के अंदर मतलब लोग जो है ना ज्यादा, जो जिसमें मतलब जिसमें ज्यादा प्रोसेस होता है, उस कामों को पसंद नहीं करते हैं। एग्जांपल के तौर पर बोलना चाहूं, जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, उनको बहुत कम देखा होगा जो कि बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेते हैं, बहुत कम, क्योंकि बैंक वगैरह के अंदर मेड ऑफ रीपेमेंट है, डॉक्यूमेंट वगैरह बनता है, गांव लोगों को इतना है ना चोचलेबाजी पसंद नहीं होती। तो वो करते क्या है, जितने भी एक गांव के अमीर अमीर बंदे होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, तो जितने भी अमीर अमीर बंदे होंगे इसमें से 15 से 20 लोग मिलेंगे, कितने लोग, 15 से 20 लोग, जितने भी खतरनाक बंदे होंगे 15 से 20 लोग मिल गए, और ये क्या करते हैं, अपनी कमेटी बना देते हैं, क्या करते हैं, अपनी कमेटी बना देते हैं, और कमेटी बनाने के बाद में जितने भी मतलब गाँव के जिन भी लोगों को पैसे की जरूरत है, उनको एकदम सस्ते ब्याज दर पर उनको पैसा प्रोवाइड कर देते हैं एकदम ईजिली। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आ गया, ये सिटीज के अंदर आपको कम देखने को मिलेगा, गाँव के अंदर ज़्यादा होता है। समझ में आ गया भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ एक बार साफ कर देता हूँ मैं, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर। देखो आपका फिफ्थ चैप्टर जो है ना, क्या कहते हैं, वो प्रैक्टिकल के अंदर आएगा, इसलिए उसके क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, और बाकी जो चार चैप्टर वो आपके लिटरेचर के अंदर पूछे जाएंगे। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पर आई होगा, ठीक है। देखो फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों मिल रहा है, या ग्लोबलाइजेशन जो है आज के टाइम पर इतना ज्यादा पॉसिबल क्यों है, ठीक है। देखो ग्लोबलाइजेशन का इसका सिंपल सा मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण का मतलब एक चीज होता है कि किसी भी चीज का इंटरनेशनल लेवल पर जाना, आपके विचार हो सकते हैं, आपकी बातें हो सकती है, आपका कल्चर हो सकता है, आपका धर्म हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, कुछ भी चीज का इंटरनेशनल लेवल पर जाना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और आज के टाइम पर ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोगों का आवाजाही बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो ये भी क्या ग्लोबलाइजेशन का एक फैक्टर है। दूसरा क्या है, रिबलराइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश का उदारीकरण। देखो उदारीकरण क्या होता है कि जो भी तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी है, जो भी तुम्हारे ट्रेड बैरियर्स है, ठीक है, उसको क्या कर देना, कम कर देना, तुम्हारा क्या कहलाता है, रिबलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। अगर तुम इसको पॉलिटिकल तुम इसको डिस्कस करना चाहोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अपन को जल्दी से कवर करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या अपना, दो थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहला हमने जाना टेक्नोलॉजी से, दूसरा हमने जाना रिबलराइजेशन के थ्रू, और तीसरा क्या है, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने जितने भी IMF वगैरह सुने हैं, WTO सुने हैं, वर्ल्ड बैंक सुना है, ये क्या करती हैं, जितनी भी कंट्री की ना फॉरेन पॉलिसी होती है उनको चेंज करवाती है, ताकि अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करें और अदर कंट्री उस कंट्री के अंदर क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए। अब बताओ यहां पर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, क्या लिबरलाइजेशन के थ्रू हुआ है, नहीं, क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है, नहीं, ये किससे हुआ है, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया है, प्रेशर बनाया है। तो ये तीन फैक्टर अपने इंपॉर्टेंट थे जो कि
ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। और लास्ट में अपना क्वेश्चन क्या है, भारत में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या क्या है, इंडिया के अंदर क्या क्या इफेक्ट हुआ है। तो इसका पहला इफेक्ट क्या हुआ है, अपने पास में मोर ऑप्शन आ गए। जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं तो वैसे अपने प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शन आते जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपका फोन हो गया, फोन के अंदर भी आपने अलग अलग ब्रांड सुने होंगे, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अदर अदर ऑप्शन आ गए, वो कैसा है, ग्लोबलाइजेशन के चलते। दूसरा क्या है, चीप थिंग्स, ठीक है। अभी तो देखो, अब जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो बहुत ज्यादा महंगे होंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके दाम बहुत ज्यादा कम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन के चलते हमें सस्ती चीजें मिल जाती हैं। तीसरा, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आती है। जैसे तुम्हें पता होगा भाई, इंडिया के अंदर पहले जो है ना रॉकेट लॉन्चर नहीं था, तो सबसे पहले मैं किसने दिया था, यूएसएसआर वगैरह ने हमारी हेल्प करी थी। तो इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी आ भी सकती है। चौथा पॉइंट क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलेंगी, अपना देश तरक्की करेगा, उसके बाद में अपने पास ऑप्शन भी ज़्यादा रहेंगे, तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और पांचवा क्या है, MNC कंपनी, जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं उन सभी को ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हुआ, बढ़ावा मिला है और वो अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो कर रही हैं। समझ में आ गया आप सभी को? तो यही थे कुछ अपने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस कर लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतना सारा अपना कहते हैं, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप आप सभी को सारा चीज समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के जितने भी हमारे 6 चैप्टर आ रहे हैं फाइनल टर्म के, उनके जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने चैलेंज करा कि था कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे डिटो क्वेश्चन आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी पहले की वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आज के क्लास में भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब द मेजरमेंट टेकन फॉर प्रिवेंटिंग रिसोर्स वर्ल्ड वाइड। कह रहा है भाई दुनिया के अंदर रिसोर्स को बचाने के लिए क्या क्या करा गया जरा बता दो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी गई, एजेंडा 21, अर्थ समिट जो कि ब्राजील के अंदर हुआ था, ब्राजील के रियो जेनेरियो में, कहा 1992 में, जिस इन तीनों का एजेंडा क्या था, इन तीनों का एजेंडा क्या था कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना है, रिसोर्स को कंजर्व करना है, ठीक है, ये लिख सकते हो। सेकंड कह रहा है कि भाई वो कारण बताओ कि ना लैंड इंटीग्रेशन जो है वो क्यों हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसको बचाने के, उसको प्रिवेंट करने के कुछ मेजर्स बता दो। देखो दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, पोल्यूशन, फ्लड्स और केमिकल यूज, ये कारण है कि किस कारण लैंड इंटीग्रेशन जो है वो हमारे को देखने को मिल रही है। और अगर हमें इन चीज को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा ओवरग्रेजिंग को, हमें एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, केमिकल के यूज को मैनेज करना पड़ेगा, टेरेस फार्मिंग, काउंटर पुलिंग और शेल्टर बेल्ट को हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट को इलैबोरेट करके लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इंडिया के अंदर, जिसमें क्या करा जाता है, रिसोर्सेज को निकाल के क्या करा जाता है, डेवलपमेंट से मैच करते हो। क्या क्या पॉइंट्स में ध्यान रखने वाले हैं, तो देखो कौन से पॉइंट्स है कि सर्वे करते हैं, मैपिंग, चेकिंग, मेजरमेंट करने के बाद जो भी रिसोर्स हमें मिला उसको टेक्नोलॉजी लगा के और स्किल्ड ग्रुप लगा के इंस्टीट्यूशंस में भेज के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो जो एक नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उससे मैच करके प्रॉफिट जो है वो निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो सीधा 2 नंबर में आएगा, तो इतने पॉइंट्स हैं इनफ है इसके लिए। आगे, डिस्क्राइब द एफर्ट ऑफ पीपल फॉर प्रिवेंटिंग द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। कह रहा भाई लोगों के एफर्ट बताओ कि लोगों ने क्या करा इंडिया के अंदर जानवर को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि इंडियन कल्चर में ना बहुत सारे पेड़ों को और बहुत सारे जानवरों को अलग से क्या बोला गया है, अलग से एक उपाधि दे दी गई है, ताकि लोग जो क्या करते, लोग क्या करते हैं उसी उपाधि के कारण उनको बचाते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसा आपके आपको पता है कि भाई बैरो देव डाका जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की एक जगह है, जहाँ पर लोगों ने डोनेट करी थी 1200 हेक्टर की ज़मीन किसी लिए, ताकि वो क्या कर सके, जंगल बना सके, जानवर आके रह सके, क्योंकि वहाँ पर जानवरों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। मंडास और सांथाल जो है, सांथाल है इसकी जगह अलग, मंडास और सांथाल से एक ऐसे ग्रुप हैं जो कि महुआ और कदम्बा ट्री की पूजा करते हैं, पूजा करते तो उनको बचाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो बिश्नोई ट्राइब जो कि राजस्थान के हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिला कि वो लोग ब्लैक बक और पिकॉक को जो है वो कंजर्व करते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो कह रहे हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अभी हमने पढ़ लिया कि लोगों ने क्या करा, अब हम पढ़ रहे हैं सरकार ने क्या किया। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ करी, जैसे क्या, तो देखो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी सरकार, उसके बाद एक रेड लिस्ट बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि दुनिया से गायब होने वाले हैं, वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, उनको ऐड कर दिया गया ताकि वो भी क्या कर सके, दुनिया में रह सके, और उनके लिए नियम कानून बना दिए गए ताकि वो भी अच्छे से इंडिया के ऊपर या फिर वर्ल्ड में रह सके। आगे बात करें तो 1980 से लेकर 1982 के बीच में क्या करा गया, उन जानवरों की रेड लिस्ट के अंदर से
उन जानवरों की रेड लिस्ट के अंदर से क्या करा गया, बहुत सारे प्लांट्स जो थे प्लांट्स को भी ऐड ऑन कर दिया गया, ताकि प्लांट्स भी क्या कर सके, अच्छे से उसी रेड लिस्ट के आड़ में बच सके। जानवर तो बच रहे थे क्योंकि उनके लिए तो नियम कानून बना दिए थे। उसी रेड लिस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ों का नाम भी ऐड ऑन कर दिया गया। आगे अगर बात करें तो वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अपोज इन इंडिया, कह रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि डैम जो है उसको अपोज क्यों करता है, क्योंकि भाई जहाँ पर डैम होता है वहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी का लूज हो जाता है, लोग बोलते हैं कि ये अनफेयर है कि गवर्नमेंट सारा प्रॉफिट कमा लेती है, बहुत सारे फार्मर्स के लिए अनफेयर है क्योंकि जो लोग डैम के बगल में रह रहे हैं उनके पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग डैम के बाहर रह रहे हैं उनके पास पानी की ज़्यादा कमी देखने को हमारे को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खादर और भांगर के बीच में डिस्टिंग्विश करके बताओ, दोनों ही एलोवियल सोइल के सब पार्ट हैं, यानी कि एलोवियल इनका पापा है और ये दो उसके बेटे हैं। जो भांगर है वो पुराना बेटा है और जो खादर है वो नया बेटा है। ठीक है दोस्तों, चलो अगर हम बात करें खादर की, तो खादर में हमें क्या देखने को मिलता है, खादर सॉइल कहाँ पर मिलती है, तो जो भी हमारी वैलीज होती है वैलीज के नीचे, इसके अंदर फर्टिलिटी की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यू एलोवियल सॉइल। अगर हम भांगर की बात करें तो भांगर को दूसरे नाम से ओल्ड एलोवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। कहाँ मिलती है, तो जो भी वैलीज होते हैं वैलीज के ऊपर, और ये इसके मुकाबले में लेस फर्टाइल होती है, यानी कि ज़्यादा उपजाऊ कौन है, खादर। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर स्कैरसिटी की, तो भाई वाटर स्कैरसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वाटर रिसोर्स का होने वाला है, आएगा ही आएगा, अगर चैप्टर से क्वेश्चन आए तो ये तो आएगा ही आएगा। कह रहा है वाटर स्कैरसिटी क्या है, तो वाटर स्कैरसिटी का सिंपल मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण हमें वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है, वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है, तो लो रेनफॉल, पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर ओवर एक्सप्लोटेशन, इंटेंसिव इरीगेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। इन्हीं पॉइंट को मैंने इलैबोरेट करके लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हाँ क्या सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण किस तरीके से हमारे को वाटर रिसोर्स पे जो है प्रभाव देखने को मिलता है। पहले तो देखो अर्बनाइजेशन में क्या कर दिया गया, हर जगह पर ना चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया, सीमेंट वीमेंट बिछा दिया, इसी कारण क्या है वाटर साइकिल की प्रोसेस तो होती है लेकिन पानी जब जमीन पर गिरता है तो ग्राउंड वाटर के अंदर रिफिल नहीं हो पाता, क्योंकि सीमेंट जो है वो निरोधक का काम करता है जो कि पानी को नहीं जाने देता जमीन के अंदर। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज में वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, उसको मतलब वेस्ट कर दिया जाता है, और बहुत सारे केमिकल वेमिकल को जो है लोग बचने के आड़ में क्या करते हैं, पानी के अंदर फेंक देते हैं। तो इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन इस तरीके से पानी को जो है वो डिफेक्ट पहुंचा रही है। आगे बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कि पानी बचाना क्यों जरूरी है। भाई पानी क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, अर्बन पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम भी बचा रहेगा, अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, बर्बाद। और इकोसिस्टम में अगर एक भी चीज़ बर्बाद होती है तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बर्बाद। ठीक है, ड्रिंकिंग और वॉशिंग हर चीज़ में पानी जो है आपको चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमें इसको बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आप लिख सकते हो। अगर बात करें कह रहा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है बहुत पहले के टाइम से हो रहा है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक ही मकसद होता है क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल फोकस करा जाए। कमर्शियल फोकस का मतलब होता है पैसा कमाने पे, पूरा का पूरा अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर क्या करते हैं, जितनी भी खेती करी जाती है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लोग खेती करते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं वो एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि भाई जितना से जितना पैसा हो सके उतना इसके अंदर से निकाल सके। ठीक है, कॉलोनियल लेगेसी इसके अंदर मेंटेन है, जब से भाई अंग्रेज़ों का शासन था तब से इस तरीके की एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के अंदर करी जाती है। ठीक है, अगर हम इसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो ये ज़्यादा ना इंटरफेयर नहीं करती, इसके कुछ फिक्स्ड क्रॉप है उस पर काम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो निकाला जाता है। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड क्रॉप लगते हैं, ठीक है, लेबर इंटेंसिव होता है, ये मोनोकल्चर को फोकस करता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारा किसका, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। अगर हम बात करें कि भाई अगला क्वेश्चन कि राइट डाउन द फ्यूचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कि भाई इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब पुराना तौर तरीका, कि भाई क्यों आज के टाइम पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो करी जाती है, क्योंकि जिस इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़मीन कम है वहाँ पर आपको ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। ये लेबर ओरिएंटेड होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत कम होता है इसमें, लोग जो है कुशल श्रमिक का इस्तेमाल ज़्यादा इसके अंदर करा जाता है। ठीक है, बायोकेमिकल का इनपुट्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इरीगेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं इसके अंदर, और इनहेटेड डिवीजन को भी हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर ना ये बोला गया है लास्ट पॉइंट कि ना लिमिटेड लाइवहुड होते हैं, कि जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ की खेती करते हैं, क्योंकि लेकिन बाकी लोग जो है वो फिक्स हो गए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर, ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो है करने लगे, लेकिन जो लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं वो पुराना खुरपी ये सब तरीका अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोले तो सिंपल, खत्म।
हॉर्टिकल्चर वर्ड आते ही समझ जाना किसकी खेती, तो फ्रूट्स की, नट्स की और वेजिटेबल की खेती को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इंडिया में क्या क्या फेमस है हॉर्टिकल्चर में, तो मैंगो, बनाना, गुआवा, एप्पल और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होता है भैया, तो सिट्रस फ्रूट का मतलब खट्टे फल। बोलो तो कौन कौन से, तो आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया और लाइम हो गया। ठीक है, आगे हाउ मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सिंपल आप स्क्रीनशॉट लगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो लाइन पढ़ते कि भाई सेडिमेंटरी रॉक के अंदर मिनरल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, तो छोटा सा आंसर है इसका, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे कह रहा है व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, डिस्कस टू वेज सच एज टाइप ऑफ एनर्जी। कह रहा है भाई नॉन कन्वेंशनल बताओ, बहुत आसान है यार, नॉन कन्वेंशनल बहुत सारे एग्जाम्पल है, टाइडल, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, है ना, सोलर एनर्जी, ये सारे किसके एग्जांपल है, नॉन कन्वेंशनल के। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इजी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मत लिख देना इसमें, कन्वेंशनल हो। हाउ वुड यू क्लासिफाई द टाइप ऑफ कोल, आपको पता है कोल कितने टाइप का होता है, तो तीन टाइप का, कौन सा दोस्तों, लैग्नेटाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट का। क्यों होता है सबसे बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस कौन है, एंथ्रासाइट। कोई दिक्कत दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्या क्या कारण है, तो बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं इसके अंदर। क्या, तो भाई क्लाइमेट, क्लाइमेट का एडवांटेज, पहले क्या था नॉर्थ की तरफ ना सफिशियंट क्लाइमेट हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्लाइमेट में शिफ्टिंग देखने को मिल रही है पॉल्यूशन के कारण, तो इसलिए जो ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट है वो साउथ के अंदर एग्रीकल्चर करने का, इसलिए नॉर्थ से जो शुगर की इंडस्ट्री है वो साउथ की तरफ जा रही है। आगे बात करें तो वाटर कैपेबिलिटी साउथ में ज़्यादा है, एक सेकेंड दोस्तों, अगर आप बात करो साउथ ज़्यादा डेवलप्ड भी है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन भी ज़्यादा है। आगे लैंड यूटिलाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पर, और क्या ज़्यादा, गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है वहाँ पर, मार्केट बहुत अच्छी है, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी है, इसलिए जो मार्केट है शुगर का वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये सारे पॉइंट आप उसके अंदर लिख सकते हो। आगे अगर बात करें हम, तो अगर आप बात करोगे कि भाई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के अंदर, कंपनियों के अंदर से कितने तरीके का पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, अगर बात करें कि इंडिया के अंदर ना भाई रेलवे जो है बहुत एक प्रिंसिपल माना जाता है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि इंडिया के अंदर ना आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों के पास कम पैसा है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रेलवे जो है ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, बीच का मीडियम निकाल के देता है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी से जाओगे तो लोग बहुत दूर रहते हैं, गाड़ी से थोड़ी ना बिहार पहुँच जाएंगे, हम पहुँच सकते हैं पहुँचने वाले, तो क्योंकि एरोप्लेन से अगर जाएंगे तो उतना पैसा है नहीं, तो इसलिए इंडिया के अंदर रेलवे का सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें तो एक्सप्लेन द मेजर सी पोर्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल अगर ये आए तो देखो तीन चार नाम इसके अंदर याद रखना है, मैंने पांच छह लिख रखे हैं, देखो कंदल पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमांगो पोर्ट, न्यू बैंगलोर पोर्ट और कोची पोर्ट, ये पांच छह पोर्ट लिख रखे हैं, आप कोई से भी तीन याद कर लो और ये याद कर लो कि वो कहां पर है। ठीक है, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर से आया तो ये तो रेलवे वाला आएगा या तो ये पक्का आएगा, पोर्ट वाला तो पक्का आएगा ही आएगा, तो कोई से भी तीन पोर्ट इसके अंदर से आप याद कर लो, उसको लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है नेम एनी टू नेविगेशन रिवर्स ऑफ इंडिया इन विच पार्ट ऑफ इंडियन आईलैंड वाटर वेज आर वाइडली used right to, देखो बहुत आसान है, कह रहा है इंडिया की सबसे दो बेस्ट रिवर्स का नाम बताओ, सिंपल कौन कौन से लिख सकते हो आप, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे बेस्ट होती है, नॉर्थ के अंदर से बहती है, सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, सबसे ज़्यादा पानी भी गंगा के अंदर है, नेविगेशन के लिए, पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गंगा को माना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बता रखे कि भाई नॉर्थ में गंगा ब्रह्मपुत्र एक बहुत अच्छा एडवांटेज क्रिएट करती है, साउथ में इतनी बड़ी नदी नहीं है, तो ये इसके मेरिट्स हो गए, ये इसके डिमेरिट्स हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने कर लिए, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट आपको लगता है मन में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स योर क्वेश्चन की वीडियो दोस्तों, दैट्स योर चैप्टर, दैट्स योर सर।